Hi, hello friends, how are you? This is Chakit from VAC Global Education. This video is about the students who have got low percentage. So, आपकी low percentage है और आपको Canada जाना है, तो ये कैसे possible होगा? I'm sure आपको बहुत सारे colleges ने probably rejection दिया होगा, या फिर आपको इसकी वजह से आपको visa भी reject face करना पड़ सकता है या पड़ गया होगा in the past. So I am going to help you out through this video कि हम किन किन colleges को target कर सकते हैं अगर हमारी low percentage है, हम किस तरीके से अपनी SOP को frame out कर सकते हैं और हम कौन कौन से documents उसमें डाल सकते हैं जिससे कि हम ये justify करना कर सके कि हम एक genuine student हैं and we will work hard and we will do good in our studies. So the Canadian immigration officer will have trust in you and give you the visa. So this whole recommendation is based on the experience, nothing else. So let's start with today's video. So if you have got less percentage, there are only few colleges which accept less percentage. So one of the colleges is Conestoga, which you can apply. The other one is Niagara, you can try. St. Clair, Northern College. Now, if you want to go towards Montreal, I would not recommend you to do that if you have low percentage. Because already aapki low percentage hai, you will choose Montreal, so that will just make it worse. So avoid that. So now these are the colleges. Abhi aur bhi colleges hain. Once you will have those doubts, aap baat karni hogi. Obviously, aap bina counselor se baat kare to apply karoge nahi. So, अगर आपको इस colleges के selection पर बात करनी होगी तो you can definitely give me a call on the number on the given on the screen. Second is कि हम किन programs के लिए apply कर सकते हो. See, it totally depends upon your educational work experience, your and probably अगर आपका gap भी है तो वो फिर और थोड़ा complicated होगा, तो उस हिसाब से हमको देखना होगा कि हम आपको किस तरीके से किस college में place करेंगे, किस program के लिए, जिससे कि आपको स्मूथली ऑफर लेटर आ जाए. सो एक बार अगर आपका ऑफर लेटर आ गया, विच इज हाफ बैटल वॉन, हम ऑलरेडी आधा काम कर चुके हैं, अभी हमें जो फाइट करनी है वो करनी है हमारे वीजा के लिए. सो अभी वीजा ऑफिसर को हमें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप पढ़ने जाओगे और आप अच्छे करोगे भी. सो आपकी SDS की 5 रिक्वायरमेंट है, वो तो हमें पूरी करनी ही करनी है, जो कि है आपका DLI अप्रूव्ड कॉलेज, आपका मेडिकल, फुल ईयर ट्यूशन फी, GIC और IELTS में 6 बैंड्स ईच. तो ये तो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा ही करना है. इसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप उसमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स ऐड कर सकते हो, विच क्लियरली शोज कि आप इंडिया में फाइनेंशियली स्टेबल हो और आपको वहां जाने के बाद फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है. मतलब यू आर नॉट गोइंग देयर टू मेक मनी. जस्ट बिकॉज यू हैव लो एकेडमिक्स डज नॉट मीन कि आप कनाडा पैसे कमाने जा रहे हो. दिस मींस दैट यू एक्चुअली फील कि अगर आप एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करोगे जहां पर आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, यू वुड बी एबल टू थ्राइव मोर. सो दैट इज वन थिंग. तो आप अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रांग करिए. अगर आपके एकेडमिक्स लो हैं और आपको लगता है कि आप अपना IELTS को बढ़ा सकते हो, सो प्लीज डू दैट. स्कोर मोर देन 7.5. इनिशियली जब ये आप वीडियो देख रहे हो, आप आज से ही कसम खा लो कि मैं बहुत प्रैक्टिस करने वाला हूं और IELTS में आई विल स्कोर 7.5. तो एक दूसरा तरीका ही है. तीसरा, जो भी आज तक आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं, बी इट स्पोर्ट्स, आर्ट्स, गेम्स, क्विज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इंक्लूड दैट इन योर प्रोफाइल. दैट शोज दैट इवन दो यू आर नॉट academically sound, but you have that brain which do wonders. Like you take parts in quizzes, competitions, you have done this, you have done that, you have played sports for all these years. So usme jo bhi aapne achievements kiye, mention that. So that is the third thing what you can do. And the fourth thing is write your SOP which is as honest as possible, because nobody likes कि जिसको एक तो आपके एकेडमिक कम है और देन यू जस्ट ब्रैग, कीप ऑन ब्रैगिंग अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इवन ट्रू. सो मेक श्योर यू डू दैट. ऑल्सो इफ यू हैव गैप एंड यू हैव वर्क, यू कैन गेट द LOR फ्रॉम योर एम्प्लॉयर्स, यू कैन गेट LOR फ्रॉम योर
colleges. So all these things can combine together and make a good package, and then definitely visa officer might just think that, yeah, hey, this guy deserves to study in Canada. So I'm going to work on your file personally. I will give it the best effort and make sure ki aapko visa aa jaye. Let's just hope that. So if you have liked this video, then give it a thumbs up. If you are new to this channel, then subscribe, press the bell icon, and till then, our next video comes, you take care of yourself, because I'm going to wish you the same next time also. Take care. Bye.